कोरोना से भी खतरनाक वायरस ने दे दिया दस्तक दुनिया में, बड़ी खबर। और आप देखिए, देश में कोरोना वायरस लगातार परेशानी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। कई राज्यों में कोविड संक्रमण के मामले तेजी के साथ अब बढ़ रहे हैं। केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में कोरोना के मामले टेंशन बढ़ा रहे हैं। हालांकि राहत की बात ये रही कि बीते 24 घंटे में आए कोरोना के नए आंकड़े बीते दिन की तुलना में कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 24 घंटों के दौरान कोविड के 5,676 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 21 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। देश में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर 37,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि एक दिन पहले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की तादाद 5,880 थी। वहीं राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 11 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना के 980 नए मामले आए और कोरोना संक्रमण दर 25.98% हो गई। इस दौरान दिल्ली में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में फिलहाल कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,876 हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सूरत समेत गुजरात के कई शहरों में कोरोना से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल किया गया।